अब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताओ। अब पहले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होने चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन उड़ गया। ठीक है, पहली चीज ये देखने की। दूसरा, वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस हाफ होना चाहिए, तो इसीलिए इसका सी आंसर है वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब ये वन मार्क में भी आ सकता है, स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वन लाइनर भी आ सकता है उसका। अब सेकेंड, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड, जेड वर्ल्ड का पासवर्ड, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब ये बहुत अच्छी चीज है, स्टैंडर्ड शब्द यूज हो गया है। तो अभी इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा फर्स्ट एमसीक्यू में, वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब यहां पर आ जाता है जेड, जेड वर्ल्ड का पासवर्ड, और इसमें म्यू हो जाता है 0 और सिग्मा स्क्वायर हो जाता है 1, यानी सिग्मा हो जाता है 1। तो ये जो सिग्मा दिख रहा है ना, यहां पर 1 आ जाता है। अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बी ऑप्शन और ये सेम दिखेगा, करेक्ट। तो इसका आंसर है बी, वन अपॉन सिग्मा गुम हो गया रूट टू पाई टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फोर्थ, बोर्ड में आ चुका है, 2 बार आ चुका है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन होता है 0, वेरिएंस होता है 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है 0, वेरिएंस होता है 1। तो आप लिखोगे ए और आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल एरिया कितनी होती है, तो 1। बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लेफ्ट साइड राइट साइड कितना होता है, 0.5। लेफ्ट साइड भी 0.5 होता है, राइट साइड भी 0.5 होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 99% लिमिट में क्या आता है, तो उसको अपन लर्न करना पड़ेगा। म्यू प्लस माइनस 0.2575 सिग्मा। अब याद रखिए 99% में ये आंसर है, 95.45% बोलता तो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा होता, 68.26% बोलता तो म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, यानी सिर्फ सिग्मा। ओके, 1 सिग्मा या सिर्फ सिग्मा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और 99 वाले का ये आंसर है डी, करेक्ट। नेक्स्ट, अब बोल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली व्हाट परसेंट ऑब्जर्वेशन इंक्लूड इन द लिमिट ऑफ म्यू प्लस माइनस सिग्मा। अब 1 सिग्मा अभी अभी बताया मैंने क्या था, 68.26, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 सिग्मा। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो याद रहे मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4/5 सिग्मा, 4/5 सिग्मा। पर यहां पर अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह बोल दे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो सिर्फ 4/5 आंसर आता, सिर्फ 4/5 या सिर्फ 0.8। तो देखना, स्टैंडर्ड शब्द है ना, जज्बात बदल देगा, 99 और 100 में फर्क यही करेगा एमसीक्यू, करेक्ट। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल शब्द है तो सिर्फ 4/5, और नॉर्मल वेरिएबल है तो 4/5 सिग्मा। और क्योंकि सिग्मा 1 होता है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा 1 होता है, इसी के कारण अगर आप यहां 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए याद रखना, मीन डेविएशन अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो 4/5 सिग्मा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है तो सिर्फ 4/5 या 0.8। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में आंसर होगा सिर्फ 2/3, सिर्फ 2/3। अब टीचर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की जगह सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल देती है तो 2/3 सिग्मा। तो याद रहे, अगर सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल है तो 2/3 सिग्मा, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो 2/3, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बहुत ट्रिकी है,
एक तो इसका बड़ा तरीका है कि यार आप सॉल्व करिए इक्वेशन से कि Q1 ये होता है, Q3, और बड़ा लंबा प्रोसीजर। मैं आपको एक मस्त ट्रिक से सिखाता हूँ। Q1 लेफ्ट साइड होता है पता है, Q1 राइट साइड होता है ये पता है, Q1 लेफ्ट साइड, Q3 राइट साइड, अग्रीड। मीन सेंटर में होता है। अब मीन है 11, Q3 है 3, इनका डिस्टेंस कितना है? इनका डिस्टेंस 8 यूनिट्स का है, डू यू अग्री? तो इन दोनों में भी डिस्टेंस कितना होगा? 8 यूनिट्स का, 8 यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी नहीं, 8 यूनिट्स। तो 11 में अगर मैं 8 यूनिट्स ऐड कर दूं तो Q3 आ जाएगा, राइट? तो 11 + 8 क्या होता है? 19। तो इतना सिंपल है ये, वरना तो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मीन के लेफ्ट साइड Q1 होता है, राइट साइड Q3 होता है। Q1 और मीन के बीच में 8 यूनिट्स का फर्क है। तो मीन और Q3 में भी 8 यूनिट्स का फर्क होगा, कि क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड, करेक्ट? मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज 4/5, मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा, मीन डेविएशन 20 है, 4/5 सिग्मा, सिग्मा पता नहीं है। तो अब सिग्मा कैसे करेंगे पता है ना? ये 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा 25। अब क्वार्टाइल डेविएशन होता है 2/3 सिग्मा, 2/3 25, तो 25 × 2 क्या हो जाता है? 50, T/3, है ना? चलो नेक्स्ट। इन यूजुअल नोटेशंस आपको क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है 25, मीन दे रखा है 20। अच्छा, ये तो जेड वर्ल्ड का पासवर्ड है ना, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड इज इक्वल्स टू एक्स 25, म्यू 20 अपॉन सिग्मा 5, 5/5, 5/5 क्या होता है? 1, करेक्ट? नेक्स्ट, जेड स्कोर दे रखा है। अब जेड स्कोर नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहां पे पता है ना, जेड की वैल्यू यहां पे 0 होती है, नेगेटिव -2.5 यहां पर होगा, ओके, फॉर एक्स इक्वल टू 25, राइट? व्हाट इज द वेरिएंस? अब वेरिएंस, अब यहां पर देखो, मीन आपको दे रखा है 50, है ना? तो जेड वर्ल्ड का पासवर्ड होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स की वैल्यू यहां पे 25 है, तो 25 - 50 अपॉन सिग्मा इज -2.5। तो सिग्मा अगर ऊपर गया तो हो जाएगा -25 अपॉन -2.5, तो माइनस माइनस कट, तो σ 10। अब बच्चे खुश, σ 10, सर A 10। अरे भाई, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस पूछा है, ध्यान दो, वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस हो जाएगा 100। अब जज्बात कैसे बदलेंगे? सपोज कुछ बच्चे होते हैं ना, सर 14 एमसीक्यू का आंसर रट लिया है, 100 है। अब एग्जाम में उसने पूछ लिया व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, अब बच्चे ने तो रटा है 100, जबकि आंसर क्या होगा? 10। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो आंसर 10 है, याद रहे। वेरिएंस पूछता है तो आंसर 100 है। नेक्स्ट, अब वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में आ चुका है, राइट? ध्यान देना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है नेबरहुड फॉर्म में, जिसमें म्यू और वेरिएंस होता है। तो ये जो है वो म्यू है, करेक्ट? म्यू इज 20। ये जो है वो वेरिएंस है 4। तो सिग्मा कितना होगा? 2, करेक्ट? क्योंकि वेरिएंस 4 है ना। अब लिमिट ऑफ 99.73% होता है म्यू ±3 सिग्मा, 99.73, करेक्ट? 99 होता तो 2.575 होता, 99.73 में 3 सिग्मा है, ओके? तो अब लोअर लिमिट क्या होगी? म्यू व्हिच इज 20 - 3 सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? 2। तो 20 - 6, लोअर लिमिट 14। अब लोअर लिमिट 14 एक ही ऑप्शन में है,
पर फिर भी अपर लिमिट म्यू प्लस सिग्मा 20 + 6 इज 26, तो इसका आंसर है सी 1426। इसमें नंबर्स चेंज कर सकते हैं वो, ये लिमिट चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस 3 की जगह अगर सपोज उसने 95.45 दे दिया तो जज्बात बदल जाएंगे। रट्टा नहीं मारना, प्रोसीजर ये है, प्लीज कहीं नोट कर लो हाउ वी डिराइव दिस। अब सेल्फ लर्निंग के कुछ एमसीक्यूज। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल? ट्रू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। ओके, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नेक्स्ट, सिमेट्रिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, पता है ना, सिमेट्रिक, सी सिमेट्रिक। नेक्स्ट, व्हिच वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल एक्स डिवाइड्स द एरिया अंडर द कर्व इन टू इक्वल पार्ट्स? तो म्यू, राइट, म्यू सेंटर में म्यू होता है, वो लेफ्ट साइड राइट साइड को डिवाइड करती है, म्यू मीडियन मोड कुछ भी बोलो, करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी कर्व नॉर्मल सिमेट्रिक होता है अराउंड 34, यानी मीन भी 34 है, मीडियन भी 34 है, मोड भी 34 34 है, तो उसका आंसर है 34, सी 34। ये बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया ये आता ही है, अब आप बताइए खुद ट्राई करिए। म्यू तो 30 हो गया और वही हमसे पूछ रहा है, हमसे मीडियन पूछ रहा है, पर हमें पता होना चाहिए ना मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, तो मीडियन क्या हो गया 30, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू है। अब व्हाट इज द फॉल व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर? अब इसका आंसर है सी, क्योंकि पहले तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, म्यू है, ये सिग्मा है बीच में, ये नहीं है, ये तो -3 + 3 है, ये भी नहीं है, करेक्ट, ये और 0 है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर है सी। ओके, है छोटी सी गॉस की घंटी पर देखो कितने काम की एमसीक्यू में, राइट। अब नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है पता है ना? नॉर्मल वेरिएबल में होता है मीडियन इज इक्वल टू Q3 + Q1/2, करेक्ट, और मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, तो 2 μ = Q3 + Q1, तो Q3 + Q1 = 2 μ आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक है ये। अब ध्यान दीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? अब 1/σ √2π e^(-x−μ/σ²। अब साला ये तो भारी मिस्टेक हो गया। अब देखो सिग्मा √2π, 2π अंदर आना चाहिए, तो ये गया। ओके, अब 2π यहाँ पे 16 है, तो 4, अब इसको 8 × 2π लिख सकता हूँ, तो ये गया। अभी ये भी गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो देखो 16 × 2π, 16 रूट के बाहर चला गया, तो 4 2π हो सकता है, और 4 2π हो गया, तो ये σ4 भी है, इसीलिए ये ए ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा टफ है। 9, टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स, राइट, अभी टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स दे रखे हैं, क्या होते हैं एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स पता है ना, Q1 और Q3, टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स, ये 10 है, ये 40 है, अच्छा इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया, एक तो तरीका ये है कि इनका बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है ना, दूसरा इनका एवरेज निकालो, राइट, 40 + 10 50 / 2 इज 25, राइट, 40 + 10 50 / 2 एवरेज सेंटर में होता है, करेक्ट, मीन इज 25। नेक्स्ट, अब Q3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है म्यू +0.675 सिग्मा, ये हमारे को लर्न करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी है अपने करी हुई है, तो ये आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन? अब मीन डेविएशन, अब सबसे पहले तो ये मीन हो गया 20, अब ये वेरिएंस है, वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा कितना होगा 15,
अब मीन डेविएशन क्या होता है? फोर फिफ्थ सिग्मा, फोर फिफ्थ इंटू 15, तो 5 1 5 3 3 4 12, करेक्ट। तो इसका आंसर है बी 12। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड के हिसाब से, है ना, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी तो ये 1 मार्क में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वेरियंस ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 81। अब वेरियंस 81 है तो सिग्मा 9, करेक्ट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? 2/3 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 इंटू 9, 3 2 6, क्योंकि 3 3 रह जाएगा, 3 2 6, ऑप्शन इज ए 6। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल तो 1 होता है, क्योंकि वेरिएंस 1 होता है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, याद है जब ये शुरू हुआ था वीडियो मैंने बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई फोर फिफ्थ सिग्मा नहीं होगा, सिर्फ फोर फिफ्थ होगा, इसीलिए इसका आंसर है 0.8। ध्यान से पढ़ना। अब क्या बोल रहा है कि 68.26 और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होता है म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, तो म्यू तो 0 होता है, प्लस माइनस 1 सिग्मा, करेक्ट। तो सिग्मा भी 1 होता है, तो प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 का मतलब क्या होता है? माइनस 1 और 1, करेक्ट। तो इसका आंसर है माइनस 1 1, ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल शब्द है इसीलिए। नेक्स्ट, 95.45, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 2 सिग्मा, प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लर्न करनी है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाँ अब देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ म्यू प्लस 1 सिग्मा, तो प्लस 1 सिग्मा इधर आता है। अब 1 का सबको टेबल याद है, 0.3413 होता है। अब इसके भी राइट साइड पूछ रहा है, अब टोटल कितना होता है? 0.5। अब 0.5 में से अगर आप ये चीज माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 0.1587। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज, क्या पूछ रहा है? परसेंटेज, तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, 15.87। तो ऐसे ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, ये हायर लेवल पे आते हैं, बोर्ड में बहुत ही कम चांस है। ये तो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट। म्यू 15, ओके, सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा? 3, है ना, करेक्ट। अब वो बोल रहा है लिमिट ऑफ 95.45, अब लिमिट ऑफ 95.45 इज म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो लोअर लिमिट 15 माइनस 2 इंटू 3, तो 15 माइनस 6 इज 9, करेक्ट। 9 अभी एक ही ऑप्शन में, पर फिर भी आप अपर लिमिट चेक कर सकते हैं, तो 21, इसीलिए डी 9 21। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है? द मीन एंड द वेरियंस, मीन है 30, वेरियंस है 16, तो सिग्मा हो जाएगा 4। व्हाट विल बी द जेड स्कोर ऑफ 26? तो जेड वर्ल्ड का पासवर्ड, एक्स 26 माइनस 30 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4, तो -1, तो जेड स्कोर है -1, ए -1, ओके। नेक्स्ट, वेरियंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 9, तो सिग्मा हो जाएगा 3। इफ द जेड स्कोर ऑफ 15.5 इज -1.5, तो -1.5 जेड वर्ल्ड का पासवर्ड, करेक्ट। एक्स यानी 15.5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, करेक्ट, विच इज 3, तो ये ऊपर जाएगा। -4.5 इज 15.5 माइनस म्यू, म्यू इधर आ जाएगा, 15.5 प्लस 4.5, अब 15.5 प्लस 4.5 क्या हो जाएगा? 20, करेक्ट। तो इसका आंसर है 20। तो ये भी एक मतलब कैलकुलेटिव है, इतना टफ नहीं आता है, पर ये सेल्फ लर्निंग के हैं तो थोड़े अलग ही लेवल के हैं। नेक्स्ट, उसी पर, उसी बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, राइट। हमें जेड स्कोर दे रखा है 21 का 2 है,
तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड स्कोर दे रखा है 2, एक्स 21, करेक्ट, म्यू 18, सिग्मा पूछ रहा है, तो इस बार सिग्मा हो जाएगा 21 माइनस 18 अपॉन 2, तो 21 माइनस 18 होता है 3, 3 अपॉन 2 इज 1.5। ओके, नेक्स्ट। अब पी की वैल्यू 1.5 में होती है 0.4332, करेक्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड 1.5, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में यहाँ पे 0 आता है, 1.5 यहाँ पे आता है, करेक्ट, 1.5 का टेबल देखोगे, करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका 0.4332, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये ट्रिकी है, माइनस इंफिनिटी से म्यू के बीच की एरिया, माइनस इंफिनिटी और म्यू के बीच की एरिया कितनी होती है, 0.5 है ना। ओके, नेक्स्ट, अब गॉस की घंटी 0, यहां पर 0 होता है, पता है ना, जेड की वैल्यू यहां पे 0 होती है, और यहां पर बोल रहा है Z1 जो है 0.37 है, करेक्ट, तो ये आ गया यहाँ पे, तो अब वो बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -Z1, माइनस इंफिनिटी से -Z1। अब ये पॉजिटिव Z1 है, तो नेगेटिव Z1 इधर होगा, वो भी कितना होगा, 0.377, तो माइनस इंफिनिटी टू Z1 माइनस का है ना, तो 0.5 में से माइनस, करेक्ट, तो 0.123 ये वाली एरिया। ओके, नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है 0 to 26.5, 0 to 26.5, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अब मीन दे रखा है आपको कितना, मीन दे रखा है 20.5, सिग्मा कितना दे रखा है 5, है ना, राइट। अब वो बोल रहा है 0 से लेकर 26.5, अब 26.5 इधर सॉल्व करेंगे, राइट, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 5.51 आएगा, 0.3413 आएगा, और ये होता है 0.5, करेक्ट, आपको पूछ रहा है 0 से लेकर 26.5, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी 1.2, तो उसका आंसर आता है 0.3849, और क्योंकि 0 से पूछ रहा है तो आप 0.5 प्लस करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा बी 0.8849। गुड लक।